हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटस एकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अपने तैयारी में जो है स्पीड लाएं, उसमें बूस्ट करें अपने स्पीड को और अच्छे से तैयारी करते रहें, खुद को एनर्जेटिक रखें। तो चलिए देखते हैं आज मॉक टेस्ट 2, जो इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पेटस एकेडमी, वहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ का PDF अवेलेबल है। जैसे द हिंदू का डेली वर्ड मीनिंग आपको वहाँ पर मिलता है, GS के मिसलेनियस क्वेश्चंस, NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वहाँ पर PDF फॉर्म में सारे अवेलेबल होते हैं। जो हमारे लेसन्स होते हैं, कुछ कुछ लेसन्स के PDF वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब्स और भी सारी चीज़ों का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है वहाँ हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, या फिर जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस वो जो है पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा मॉक टेस्ट 2 है उसका PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल चुका है, और यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सीखेंगे कि जहाँ पर कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं। जब हम ये जो है आपका पूरा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस ही है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके SSC से हैं, ज़्यादातर आपको SSC के CGL, CPO, MTS, CHSL, एस्टेनोग्राफर, ये सब जो एग्जाम्स SSC कंडक्ट कराती है उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही जो है यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मॉक टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ देखिए, आइटम मतलब होता है आइटम एंड फ्रेज आपको पहचानना है, और एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त होता है, क्या होता है, उपयुक्त। तो देखते हैं कि कौन सा उपयुक्त हमारा आइटम एंड फ्रेज का राइट आंसर है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में भी हमारा आ गया, तो आई होप कि आप लोग सभी बना चुके होंगे, सही किए होंगे। देखिए, अ वाइल्ड गूज चेस मतलब होता है एक व्यर्थ प्रयास, क्या होता है, अ वाइल्ड गूज चेस मतलब व्यर्थ प्रयास, यानी कि निष्फल प्रयास। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए है आपका, अ यूजफुल एफर्ट, तो आपका राइट आंसर आपको मिल गया, यूजलेस है यहाँ पे, यूजलेस यानी कि जो आपका व्यर्थ गया, और एफर्ट मतलब कि प्रयास, तो एक निष्फल प्रयास, एक व्यर्थ प्रयास जो है आपका वो हुआ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो गया, अ वाइल्ड गुड चेस यानी कि व्यर्थ प्रयास, अ यूजलेस एफर्ट। चलिए आगे देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट, सॉरी ये हो गया था मिस स्पेल्ड, यहाँ पे आप एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम कर लीजिए। ठीक है, एंटोनिम की जगह सिनोनिम्स कर लीजिए, क्योंकि उनके अनुसार ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सिनोनिम्स करते हैं, ठीक है, एंटोनिम की जगह अगर आप सिनोनिम्स यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है, तो डिसअपीयर मतलब होता है निराशा, क्या होता है, डिसअपीयर मतलब निराशा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। पहला है आपका डिस्ट्रेस, अगर आपको नहीं याद होगा तो प्लीज़ याद कर लें, हमारा सिनोनिम्स के 3 लेसन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं वो हो चुके हैं, लगभग 2 घंटे का तीनों लेसन मिलाकर, और एक लेसन जो है आपको और मिलेगा। तो प्लीज़ आप सारे लेसन जो सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको दिए जा रहे हैं लेसन, आप उनका हर एक वर्ड याद कर लें, क्योंकि हर एक वर्ड का साथ साथ में ही हिंदी लिख दिए हैं हम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से उसे याद कर रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे और रिविज़न भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद करने का, उन्हें समझने का, उन्हें बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम उससे एक SSC के सिलेबस को, उसके पैटर्न को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, जैसे कि सिनोनिम्स हो गए, कल हम लोगों ने पढ़ाया है आइटम एंड फ्रेजेस, फिर हम लोग OWS उसके एक दिन पहले पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, साइनो, फिर SSC 2019 CGL में जो आपको पूरा सिनोनिम्स पूछा गया था वो, फिर उसका एंटोनिम जो पूछा गया था वो, फिर अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एंटोनिम्स हैं वो भी आपको लेसन्स के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है एकदम लेसन को कम्प्लीट देखें, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक वर्ड को याद करें। तो देखिए, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। अब देखिए, आपका पहला ऑप्शन है डिस्ट्रेस, तो अगर
आपको हिंदी याद रहेगा तभी आप राइट आंसर टिक कर पाएंगे। तो डिस्ट्रेस मतलब होता है DISTRE SS, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख दर्द, ठीक है, दुख या दर्द, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट। डिस्करेज मतलब कि आपका साहस जो है वो गिरा देना, तो ये भी आपका एलिमिनेट। डिसरप्ट यानी कि बाधा, ये भी एलिमिनेट। होपलेस मतलब होता है निराश, तो आपका राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी के रूप में, ठीक है, होपलेस यानी कि निराशा। और यहाँ पर भी देखिए डिसअपीयर मतलब निराशा, तो ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, आपको सही जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। पहले आई हैव नो रिचेज, आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स रिचेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस के अनुसार, अब यहाँ पर देखिए पूरा आपका प्रीपोजिशन का खेल है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि डिजायर के साथ फॉर भी लगता है और ऑफ भी लगता है, डिजायर के साथ फॉर भी लगता है और ऑफ भी लगता है, लेकिन ऑफ कब लगता है, जब इसके पहले डिजायर अपने एडजेक्टिव फॉर्म में यानी कि डिजायरस हो, ठीक है। जब डिजायरस होगा तब आपको ऑफ लगाना है, और अगर सिर्फ डिजायर है यानी कि आपका वर्ब ग्रुप में है तो डिजायर के साथ आप फॉर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। डिजायरस ऑफ कब होता है, जब यहाँ पे आपका होता आई एम डिजायरस ऑफ रिचेस, ठीक है, आई एम डिजायरस ऑफ यानी कि मैं इच्छुक हूँ रिच बनने के लिए, ठीक है। लेकिन आई हैव यहाँ पर देखिए आई हैव यानी कि आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेस, यानी कि मुझे उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं हूँ और यहाँ पर आपको रखने के सेंस में है, तो ये दोनों सेंटेंस आपको अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है डिजायर फॉर हो गया। और यहाँ पर अगर होता आई एम नो डिजायरस ऑफ रिचेस, अगर यहाँ पर आई एम नो होता तो ये आपका राइट आंसर ए होता, लेकिन आई यहाँ पर है आई हैव, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो गया, आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेस। चलिए आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर जो है करेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड में हम लोग ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लेसन में, तो अगर आपको नहीं याद है तो हमारा पूरा प्लेलिस्ट है वहाँ पर बना हुआ, द इंपिटस एकेडमी में प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे का अलग अलग, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईरर डिटेक्शन, IPOWS, करेक्टली स्पेल्ड, मिस स्पेल, सारे का प्लेलिस्ट में अलग अलग सेपरेट बना हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी पे राइट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। COURTEOUSCOITES मतलब होता है सिस्ट, ठीक है, सिस्ट नम्र, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, कोर्टियस। चलिए आगे देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स गिवन, ये जो है आपका OWS हो गया यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन क्या है, अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब कि आपके अपराध करने में जो आपका सह पार्टी मतलब कि जो आपके साथ होता है, अ पार्टनर इन क्राइम यानी कि अपराध करने के समय जो आपके साथ होता है या अपराध करने में आपका साथ देता है जो, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है सह अपराधी, और सह अपराधी को कहा जाता है इंग्लिश में अकम्प्लिस, क्या बोला जाता है, सह अपराधी यानी कि आपके अपराध में जो है वो साथ था, ठीक है, तो सह अपराधी यानी कि अकम्प्लिस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स मतलब होता है मिलता जुलता शब्द ही आपको बताना होता है, तो देखिए आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब होता है शिथिल, क्या होता है शिथिल, यानी कि एकदम शांत है वो, शिथिल है एकदम शांत पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे कुछ मतलब नहीं है, एकदम शिथिल है, ठीक है, मतलब एकदम एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आलसी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, लग्जरियस मतलब होता है विलासता से भरा हुआ चीज, मतलब कि एकदम ऐसो आराम की जिंदगी, ठीक है, तो लग्जरियस आपका ऑप्शन एलिमिनेट। लिवली यानी कि ऊर्जावान सजीव चीज, ये भी एलिमिनेट। एस्पिरेटेड यानी कि ऊर्जावान, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी आपका है। लेथार्जिक यानी कि होता है शिथिल, यानी कि एकदम शांत पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, लेथार्जिक आपका राइट आंसर हो गया। लैंग्वेज का मतलब होता है शिथिल और लेथार्जिक मतलब होता है शिथिल शांत, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यहाँ पर भी देखिए फिर से आपका OWS आ गया, ठीक है, अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, ये देखिए अगर आप जो कल के
एग्जाम्स एंड फ्रेजेस के लेसन को अगर आप अच्छे से देखे हैं, तो ये जो हम लोग अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही आपको मॉक टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, और कुछ क्वेश्चंस नए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन जो आपका एयरफोर्स के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप आइडम एंड फ्रेज के लेसन को अच्छे से देखे होंगे या उन्हें याद किए होंगे, तो आप ये तुरंत अपना आंसर राइट टिक कर देंगे। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी है, मतलब कि राज क्षमा, अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, यानी कि क्षमा करना जो होता है, फॉरगिवनेस और पार्डन, फॉरगिवनेस या पार्डन मतलब होता है क्षमा मांगना, ठीक है। तो सामूहिक क्षमा जहाँ पे मांगा जाता है उसे कहा जाता है आपका एमनेस्टी। क्या बोला जाता है? एमनेस्टी, यानी कि राज क्षमा। क्या बोला जाता है हिंदी में? राज क्षमा, एमनेस्टी मतलब राज क्षमा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये देखिए हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर लेसन कर चुके हैं, लगभग 1 घंटे के आसपास का वो लेसन है, 2 वीडियो में करके, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे वे लेसन्स को, तो ये यहाँ पर आपको वॉइस बनाने में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ही मे हैव लेफ्ट अ मैसेज फॉर मी, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट में बदल जाता है, ये हम वॉइस में जानते हैं। मे हैव, तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आपको क्या समझना होता है कि सब्जेक्ट मेरा कौन सा है और ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया, और सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट जो है ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैसेज माइट बी, यहाँ पर देखिए आपका मे है तो इसे माइट में बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये भी एलिमिनेट। मे हैव बीन लेफ्ट फॉर मी, यहाँ तक तो ये सही है, ठीक है। लेकिन आपको बाई बाई लगाकर जो आपका बनता है लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका लगाना ज़रूरी होता है। कुछ कुछ सेंटेंसेस ही ऐसे होते हैं जहाँ पर बाई के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, और वो कब होता है जहाँ पर जो है एकदम वो चीज़ जो है प्रचलित होता है, सभी को पता होता है कि ये चीज़ जो है कुछ कुछ खास लोग ही कर सकते हैं, जैसे कि जो चोर को है पुलिस ही पकड़ेगा, तो वहाँ पर बाई पुलिस नहीं यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम बताना होगा कि किसने एक मैसेज छोड़ा है मेरे लिए, तो उसने, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है आपको बाई लगाकर, बाई हिम, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। ही मे हैव लिफ्ट अ मैसेज फॉर मी, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। मैसेज मे, यहाँ देखिए मे है, फिर हैव आपका लग गया यहाँ पे बीन, लेफ्ट फॉर मी बाई हिम, ठीक है। तो लास्ट में जब सॉरी जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर हैव है तो आपके उसके साथ आपका बीन लगना ही लगना है जब हम पैसिव वॉइस में उसे चेंज करते हैं, तो ठीक है। तो मैसेज मे हैव बीन लेफ्ट फॉर मी बाई हिम। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम, यहाँ फिर से आपका आइटम एंड फ्रेज आ गया। देखिए टू ईट हम्बल पाई, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप देखे होंगे आइटम एंड फ्रेज के कैलकुलेशन को, तो आपको ये याद हो गया होगा और आप इजिली जो है इसे टिक कर पाए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, टू ईट हम्बल पाई, मतलब कि शांति से क्षमा मांग लेना, ठीक है। मतलब कि आपको आप ये स्वीकार कर लिए कि मेरा ये गलती है, और अब जाके चुपचाप अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है, तो टू एक्ट अपोलोजेटिकली, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका है राइट आंसर हो गया, टू ईट हम्बल पाई, यानी कि शांति से माफी मांग लेना। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द आपको ढूंढना होता है, एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द। तो देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि आपके क्वेश्चन का अर्थ क्या है। मैमूथ मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। क्या होता है मैमूथ? मतलब विशाल या फिर बहुत ही बड़ा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए है आपका मिनट, MINUTE, मिनट मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, मिनट मतलब होता है बहुत छोटा। तो आपको राइट आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन ए के रूप में, ठीक है। ऑप्शन ए विशाल मतलब होता है, सॉरी मैमूथ मतलब होता है विशाल यानी कि बहुत ही बड़ा, और मिनट मतलब होता है बहुत छोटा। हमें विपरीत शब्द ढूंढना ही था, तो हमें राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन ए के रूप में। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं, स्टूपेंडस यानी कि होता है शानदार, जिन्हें नहीं याद है प्लीज लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, सारे जो वर्ड्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूपेंडस जो आपका ऑप्शन बी है, इसका मतलब होता है शानदार। मोन्यूमेंटल यानी कि बहुत ही बड़ा चीज, तो देखिए इसका सिनोनिम्स हो जाता, ठीक है। और प्रोडिजियस मतलब होता है
बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। यहाँ पे ग्रामेटिकल इरर है, देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे इरर होगा। आई जम्प्ड विथ द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर। यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर के बारे में बात किया गया है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर, तो देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अब अगर आपको कल याद होगा, फ्रेजल वर्ब भी कल आपको लेसन दिया गया है, ठीक है, अगर कल के फ्रेजल वर्ब के अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से, उन्हें याद कर लिए होंगे, समझे होंगे, तो अवसर को जब मिला जाता है और अवसर जब आपको मिलता है, आप उस पर झूम उठते हैं, नाच उठते हैं, तो वहाँ पर जो आपका यूज होता है वो यूज होता है जंप एट, यानी कि अवसर जब आपको मिलता है तो आप वहाँ पे खुशी जताते हैं अपना, तो ये आपका जो है जंप एट, यानी कि अपने अवसर को प्राप्त करना, उसे स्वीकार करना, तो जंप एट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कश्मीर जाने के लिए, वहाँ पर जो कल हम एग्जाम्पल में समझाए थे, यहाँ पर बस जापान था, ठीक है, यहाँ पर बस जापान था, तो अगर आप वो ऑप्शन को सही से याद कर लिए होंगे, फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझे होंगे, उन्हें याद किए होंगे, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर एरर है, क्योंकि विथ की जगह आपको क्या यूज करना है, एट का यूज करना है, ठीक है। आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर, यानी कि अपने अवसर को स्वीकार करना, पसंद करना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपका आ गया है क्लोज टेस्ट, ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट के लिए हम आपको बता दिए हैं कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर, विद इन 1 वीक, हम जो है आपको लेसन प्रोवाइड कर देंगे 2 से 3, ताकि आपको क्लोज टेस्ट कहीं पर किसी भी फॉर्म में मिल जाए, चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें मिल जाए अगर आपको क्लोज टेस्ट, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज भी हम जो है ये लेसन को स्किप कर रहे हैं, सॉरी, ये जो आपका क्लोज टेस्ट है इसे हम स्किप कर रहे हैं, जब हम आपको लेसन बता देंगे, उसे समझा देंगे कि आप कैसे उसके साथ टैकल करें, तब हम आपको ये जो दोनों क्लोज टेस्ट हो चुके हैं इनका हम सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द, तो ऑप्शन आपका क्या है, मेलेडी, मेलेडी मतलब होता है बीमारी, क्या होता है, मेलेडी मतलब बीमारी। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। लेडी यानी कि स्त्री, एलिमिनेट डिजीज यानी कि रोग, तो आपका राइट आंसर आपको बी के रूप में मिल गया, ठीक है। डिजीज मतलब होता है बीमारी रोग, और मेलेडी मतलब भी होता है बीमारी या रोग, तो राइट आंसर आपको मिल गया। यहाँ देखिए मेलेडी है, मेलोडी है, यानी कि इसका मतलब होता है लय सुर, ठीक है, लय सुर, यानी कि जब गाना सुनते हैं या गाते हैं, तो ये आपका हो गया लय सुर मेलोडी। और पैरोडी मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका बी हो गया। आगे देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। सी हैड रियलाइज दैट सी हैड बीन सी हैड सीन हिम बिफोर। यहाँ पर सीन है, ठीक है, तो सी हैड रियलाइज, आपको ये अंडरलाइंड पोर्शन है, इसी को आपको सही करना है, अगर नहीं सही है मतलब सही है तो उसे नो इम्प्रूवमेंट टिक करिए, अगर नहीं सही है तो उसे सही करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरा पार्ट जो आपका है ये आपका भीतरी फॉर्म में है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, तो अगर एक पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो ऑटोमेटिकली होता है वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में हो जाता है, ठीक है। अगर एक पार्ट आपका भीतरी फॉर्म में है तो एक पार्ट आपका V1 फॉर्म में होगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, तो अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है तो यहाँ पे V2 करना होगा आपको, ठीक है। अगर यही रहता कि यहाँ पे अगर आपका पास्ट सॉरी यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता, ठीक है, मतलब कि एक अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो दूसरा पार्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर एक पार्ट आपका ये पास्ट इंडिफिनिट होगा तो दूसरा पार्ट आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए एक पार्ट जो है आपका ये जो पार्ट है आपका पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, ये जो आपका एक पार्ट है ये देखिए पास्ट परफेक्ट में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी ये होता है आपका पास्ट में, ठीक है, स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो है पार्ट ए में जो है आपको देखना होगा कि इसे करना होगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो सी रियलाइज्ड यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको टेंस समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ जो हमारा टेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर आप जाके टेंस को समझ सकते हैं एकदम अच्छे से, वहाँ पर आपको वॉयस के भी लेसन्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन टैग के भी मिल जाएंगे, और एग्जाम्स में आते भी हैं, ठीक है। तो सारे आप लोग लेसन जो है कंप्लीट देखा करें, जो प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करें, हम तुरंत उस पर जो है आपको हर पॉसिबल जहाँ तक होगा हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए
और अगर फिर भी अगर नहीं कोई दिक्कत है तो आप अपना जो इश्यू है उसे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, और उसका जो एक डिस्कशन ग्रुप है आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दें या फिर फोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड कर दें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, सी हैज रियलाइज डैट सी हैज सीन हिम बिफोर, तो एक पार्ट आपका परफेक्ट में है, ठीक है। तो एक पार्ट आपको क्या करना होगा, एकदम अपने पास्ट इंडिफिनिट में करना होगा। अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, गिवन बिलो द फोर जंबल सेंटेंसेस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका ये और ये आपका है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका लास्ट पार्ट है। बाकी जो ऑप्शंस हैं इन्हें आपको ये करना है, मतलब कि एकदम ऑर्डर में लाना है, ताकि एक ये जो है एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो देखिए पहला पार्ट इसमें क्या है, द प्रिविलेज टू मक्का, ठीक है, द प्रिविलेज टू मक्का। अब इसके बाद ये अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो इसके बाद अब क्या आना चाहिए, आना चाहिए आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पी क्यू आर एस में से आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ पे देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में है यहाँ पे इज, ठीक है, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए अब इज है यानी कि आर वाला ऑप्शन है, तो हमारा जो आर वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, ए है और सी है, तो बाकी जो दो ऑप्शन है ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए, तो इन दोनों ऑप्शन पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। क्यों यहाँ पे हम आर को चूज किए, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो अब इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ इज है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम आर ऑप्शन को ले लिए, इसलिए बी और डी ऑप्शन जो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो उसे कंप्लीट पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिए, द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का, द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम, ठीक है, ईच मुस्लिम। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है अब इसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा, ठीक है। देखिए पहला है गिविंग आर्म्स, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द ओनली गॉड अलोंग विथ प्रेइंग 5 times a day एंड, सॉरी ये तो आपका लास्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट हो ही गया है, अगर हम इसके ऑप्शन ए के रूप में अगर लेकर चलते हैं तो क्या हमारा सेंटेंस सही बैठेगा, देखते हैं। द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम्स, रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द ओनली गॉड, गिविंग आर्म्स, ये आपको सुटेबल कोई सेंटेंस लग रहा है, अलॉन्ग विथ प्रेइंग फॉर 5 days 5 times a day, ये आपको कोई एक एक्यूरेट सेंटेंस लग रहा है, आई होप कि आपको नहीं लग रहा होगा। अब जो आपका ऑप्शन बच गया ऑप्शन सी, अब इस पर आप बैठा कर देखिए, अगर आपके ये कब ये जब कब आपका ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे तभी आपको बैठाना, अगर आपके कोई ऑप्शन जो है एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं या अगर शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब तो आपको सारे ऑप्शंस को देखना होगा, और सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या जो है इस सेंटेंस में हमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शन सी को लेकर चलते हैं, द पिलग्रिमेज टू मक्का इज वन ऑफ द फाइव रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ईच मुस्लिम एलॉन्ग विथ प्रेइंग 5 times a day रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द ओनली गॉड, गिविंग आर्म्स, ठीक है। तो अगर हम इस पे लेके चलते हैं तो क्या हमारा सेंटेंस सही बैठता है, देखिए अगर हम इसको हिंदी करते हैं इस पैटर्न पर लेकर, द पिलग्रिमेज टू मक्का 5 duties यानी कि धार्मिक ड्यूटी मुस्लिम, हर एक मुस्लिम का 5 duties में से ये एक एक है, कि इसके साथ साथ क्या है कि वो जो है 5 time प्रे करते हैं, ठीक है, 5 religious duties में से एक ये है और दूसरा अलोंग विथ प्रेइंग 5 times a day रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह एज द ओनली गॉड, गिविंग आर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग हुआ हो तो आप समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ में आया हो तो हम इस पर एक कंप्लीट लेसन दे रहे हैं आपको,
क्लोजिंग टेस्ट के साथ विद इन 1 वीक, तो आपको समझ में वहां पर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका PQRS का जो सेक्शन होता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस को जो दिया गया है, आपको ऑप्शंस के रूप में दिया गया है, वो आप उसे कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से समझ पाएंगे PQRS, आप उतना जल्दी ही बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर अभी यहाँ पर सी है, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जो लेसन प्रोवाइड किया जाएगा आप उसे कंप्लीट देख लेंगे, 1 सप्ताह के अंदर आपको दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है, तो आप जरूर देख लें। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर देखिए आइटम है, आइटम का जो आपका राइट आंसर है उसे यहाँ पे बताना है। मेन लाइक विद्यासागर एंड भगत सिंह, यहाँ पर देखिए मेन का यूज हुआ है, क्यों हुआ है ये भी हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों का बात किया गया है, विद्यासागर एंड भगत सिंह। तो जब एक से अधिक हो जाता है, यानी कि बहुवचन हो जाता है, तो हमारा जो है ये जो सब्जेक्ट होता है वो आपका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए मेन हो गया, मेन लाइक विद्यासागर एंड भगत सिंह आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ आपका आइडियम एंड फ्रेज है, ये तो ग्रामेटिकली हम समझा रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। और यहाँ पर जो आपका आइडियम है द साल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है आदर्श व्यक्ति। द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होता है कि आदर्श व्यक्ति, तो हमारा राइट आंसर हमारा बी है, फेमस व्यक्ति, फेमस मैन यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति, आइडियल मैन यानी कि आदर्श व्यक्ति, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया, हार्ड वर्किंग यानी कि कड़ी मेहनत करने वाले, और मेकर्स ऑफ द अर्थ यानी कि धरती बनाने वाले। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आपका जो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी के रूप में, यानी कि आइडियल मैन यानी कि आदर्श व्यक्ति। तो द साल्ट ऑफ द अर्थ हो गया आपका आदर्श व्यक्ति। तो ये है मॉडल सेट 2 का, मॉक टेस्ट 2 का आपका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें जो दिक्कत है। और PQRS और क्लोज टेस्ट के लिए आप लोग टेंशन ना लें, आपको लेसन देखकर जो है एकदम अच्छे से समझा दिया जाएगा, जो कुछ कुछ चीज़ हैं आप एकदम अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अच्छे से बना लेंगे क्लोज टेस्ट को और पैसेज को और PQRS को, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल की क्लासेस में, थैंक यू।